24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, फिर से रिपीट करेगी। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चचो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। नहीं, आम चुनाव पर देश की निगाह है, सियासी दलों की धड़कनें तेज हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। 24 के आम चुनावों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर कर दी है तगड़ी भविष्यवाणी। एसपी का नहीं खुलेगा खाता, समाजवादी पार्टी के हिस्से आएगा नील बटा सन्नाटा। अपन योगी आदित्यनाथ जी की तरफ सरकार चाहते हैं। वो सत्ता निकलेगी। सब भाजपा के नेताओं के मुंह में है, उनके मुंह को छोड़ दिया जाए तो जमीन पर कहीं कोई विकास नहीं है। किसकी सरकार चाहते हैं आप? जी सरकार तो हम तो बीजेपी की ही चाहते हैं। दावों के दौर में जरूरी ये भी समझना है कि जनता क्या बोल रही है। तमाम शहरों में एपीएन के रिपोर्टर्स ने पब्लिक से यही पूछा, किसकी सुनेगा उत्तर प्रदेश, योगी या फिर अखिलेश? सभा को सीट मिलेगा, बड़ी पूर्ण बहुमत मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो सबसे सही है। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के वीकेंड स्पेशल में अपनी सहयोगी नेहा और वक्ता के साथ मैं रेशु त्यागी। 24 का जनादेश आने से पहले देखिए क्या है जनता का आदेश, योगी या अखिलेश, किसकी सुनेगा उत्तर प्रदेश। इनका बिल्कुल दावा जो है बिल्कुल गलत है, वो 20 से 25 में समझ जाएंगे। 2024 में डंके की चोट पे भाजपा ही आएगी। भ्रष्टाचार चरम पर है। जो काम किया है योगी जी ने, आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। योगी बनाम अखिलेश, किसकी सुनेगा उत्तर प्रदेश। अगर भाजपा को पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीट मिल जाए, अगर योगी जी ने ऐसा कहा है कि वो 100% जीतेंगे तो हो सकता है जीतेंगे। योगी बनाम अखिलेश, किसकी सुनेगा उत्तर प्रदेश। 24 के जनादेश से पहले क्या है जनता का आदेश, आज जानिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश। अपन योगी आदित्यनाथ जी की तरफ सरकार चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से सारा सुख शांति है, बढ़िया चल रहा है यूपी में और बढ़िया ही चलेगा। कोई गुंडागर्दी नहीं है, अपना मस्त काम चल रहा है, अपना सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं और अच्छा विकास है। 80 सीट तो नहीं जीत पाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 सीट ही जीत पाएंगे। हर जगह तोड़ फोड़ करने से थोड़ी ना कि सीटें मिल जाएगी। ठीक है, सड़क बनवा रहे हैं और भी सब चीज़ें, डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे, ऐसे नौकरियाँ नहीं है, बेरोजगार हैं, बच्चे घूम रहे इधर उधर, ठेला लगा रहे हैं। तो इनका बिल्कुल दावा जो है बिल्कुल गलत है, वो 20 से 25 में समझ जाएंगे। इस बार 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा, क्या कहना है सर? ये तो आप अभी जो बोल रहे हैं 80 सीट, वो तो एकदम क्लियर कि 80 वो जीतेंगे, क्योंकि हमने तो योगी जी से हम खुद एक आध दो बार मिले हैं और जो सारे समुदाय को साथ में लेकर चलते हैं, सबसे बड़ी अच्छाई उनकी ये है कि वो 80 कर रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि सारी सीटें निकलेंगी। इस पर हमसे बात करने के लिए कुशनगर जनपद में लोग मौजूद, हम जानेंगे कि क्या लगता है कि कुशनगर में सपा को कितनी सीटें मिलेगी और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी। सपा कम से कम 10 सीट मिलेगी कुशीनगर में। अखिलेश यादव का कहना है कि बेरोजगारी पर वार कर रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक भी सीट नहीं मिलेगी, इस पर कहना है? नहीं मिलेगी, 10 सीट मिलेगी, अच्छी सरकार चलाए हुए अखिलेश जी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मैं साहू विश्वास, मैं नंदग्राम रहता हूँ, गाजियाबाद में। ये बताइए 2024 के चुनाव को लेकर आप सपा बीएसपी और बीजेपी, हम तो किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो कमल की चाहते हैं हमेशा। क्यों, ऐसा क्या है कमल में? बस अपना अपना इच्छा है, कमल अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए योगी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि व्यवस्था सुधर रही है, कानून व्यवस्था सुधर रही है, तो कुछ घटनाएं हो रही हैं और होती हैं, लोकतांत्रिक समाज में सब कुछ संभव है। सरकार चाहते हैं आप? जी सरकार तो हम तो बीजेपी की ही चाहते हैं, समझे, और योगी सरकार की ही बने, क्यों कैसा है ना, जितने माफिया थे गाजियाबाद में, जितने जहां कहीं भी थे। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी तक हो रहा है भाजपा सरकार ने जो किया है काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन ये कहना कि 2024 में भी डबल इंजन की सरकार ही बनी रहेगी, ये कहना, ये तो जनादेश के ऊपर है कि
आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा को एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिलने वाली? वो पैसे जानते हैं सपा को एक भी सीट नहीं मिलेगा, उनके घर की सीट नहीं ना, पब्लिक उनके मुट्ठी में नहीं ना है, वो जो चाहेंगे वही मिलेगा। सपा को सीट मिलेगा बड़ी पूर्ण बहुमत से मिलेगा, ये देखिएगा आप लोग। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हाँ जी भैया जी, मैं शिव आश्रय सिंह बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, शास्त्री नगर। सिंह साहब ये बताइए कि 2024 के चुनाव को लेकर सपा बीएसपी बीजेपी 2024 में डंके की चोट पे भाजपा ही आएगी, क्योंकि हम लोग शुरू से पहले से ही भाजपा को सपोर्ट करते हैं और योगी जी के साथ रहे हैं, योगी जी के जगह से हैं। यूपी में 80 सीट मिलने जा रहा है सपा को, मुख्यमंत्री जी का जो कार्य प्रणाली है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये क्षेत्रीय पहला नंबर देख लीजिए यहाँ की नहर। सर हम तो बीजेपी की ही देखना चाहेंगे सरकार, जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, प्लस जो काम किया है योगी जी ने आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा को पूरा सीट मिलेगा और सपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए चुनाव बता ही देगा कि कितनी सीट मिलती है, जो भी प्रदेश में या देश में विकास है सब भाजपा के नेताओं के मुंह में है, उनके मुंह को छोड़ दिया जाए तो जमीन पर कहीं कोई विकास नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए बड़ा स्पष्ट है, जो भी जनता के बीच गया है या जाएगा और जनता के काम करेगा या किए हैं उसी को बेनिफिट मिलेगा, किसी के कह देने से कुछ नहीं हो रहा कि हम 80 सीट जीतेंगे या 70 जीतेंगे। अगर भाजपा को पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीट मिल जाए तो उनको यहाँ धन्यवाद देना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट भी नहीं मिलेगी भाजपा को, आपको क्या लगता है? सपा को नहीं मिलेगा सीट, सपा को इसलिए सीट नहीं मिलेगा आज तक वो कुछ भी काम नहीं किया है, ना काम करेगा। मानना है कि भाजपा ने काम ग्रास रूट लेवल पे आके काम किया है, करप्शन फ्री और क्राइम फ्री ड्यूटी हुआ है। क्राइम के मामले में जहां वोमेंस बाहर निकलने में बहुत डरती थी, आज वो बिना किसी डर के बाहर निकल सकती है। मंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सीधा योगी आदित्यनाथ का एक तंज कसना अखिलेश पर कि इस बार 2024 में आप 80 सीटें लाकर तो दिखा दीजिए, क्या कहना है आपका? मैं प्रोफेसर रणवीर सिंह लोधी विधि संकाय से बोल रहा हूं और ये मेरा कहना ये है, कल जो योगी जी ने कहा स्पष्ट रूप से कि 80 की 80 सीटें कहीं ना कहीं ये अहम और अहंकार चलता है। लोकसभा चुनाव आ रहा है जी, सपा और भाजपा दोनों 80-80 सीटों को जीतने का दावा कर रही उत्तर प्रदेश से, 80 सीट होती है लोकसभा से, आपकी क्या राय है कि भाजपा और सपा में क्या है? योगी जी कह रहे हम 80 सीट जीतेंगे, मुश्किल है 80 सीट जीतना भाजपा का कहे। अब ये कैसे बताया जाएगा कि अभी जनता की आवाज यही है, लेकिन वो तो दावा यही कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं ना, दावा कर रहे हैं अपनी जगह पे वो कर रहे हैं, हम लोगों को मुश्किल लग रहा है कि 80 सीट जीत पाए। अच्छा आइए इधर आइए, क्या कहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि वो भाजपा 80 सीट जीत जाएंगे, आपका क्या राय है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। अच्छा तो क्या आपको लगता है कौन जीत सकता है? यहाँ बहुत से बड़े बड़े मुद्दे हैं, मगर अभी लग रहा है कि आगे वाले समय में आने वाले में सपा यहाँ जीतेगी। आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार वो 80 से 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार जो भी हो बने, जिसकी भी बने, अच्छा काम करे, और हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, छात्रों के हित में काम करें, शिक्षकों के हित में काम करें, और देश को तो, देश का भविष्य उज्जवल बनाए। आप क्या कहेंगे योगी जी, जिस तरीके से कर रहे हैं 80 सीट? मुश्किल है, किस आधार पर मुश्किल है? मुश्किल है जो है कि समस्या है, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई की स्थिति ज्यादा है, और जो है रोड वगैरह जो है थोड़ा बहुत खराब है स्थिति। इस बार वो 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा, क्या कहना है? यहाँ तक हमें लगता है कि उनका कहना कुछ हद तक सही भी है, इसलिए कि जो बच्ची जो कार्य करने जो तरीका है, जो समाज पर वो अपना मिट छाप छोड़ रहे हैं, उनके तरीके से देखते हुए जो है ऐसा लगता है कि हमें आदित्यनाथ जी जो कहा है बिल्कुल सही तो नहीं होता है, लेकिन 99% हमको लगता है कि 75 से ऊपर सीट पाएगी। फल खरीफ मर रहे हैं, आज जो से चला रहे हैं, लोकसभा चुनाव वोटर है, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि हम अपने काम के बल पे 80 सीट जीतेंगे,
पहले बताइए लॉकडाउन लगाया, कोई 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 साधन भेजा नहीं है। आपने कहा कि इस बार वो 80 से 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे ये हमें नहीं लगता है। मतलब ये मैं जो देख रहा हूँ, और लोकतंत्र में ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि सब का सब एक तरफा ही हो जाए, कुछ विपक्ष को भी रहना चाहिए। यह सही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पारी शुरू करेंगे। इस बार 80 से 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा। देखिए ये राजनीतिक दलों का छुलावा है, और उस पर ही एक तरीके से कर लीजिए इनके आत्मविश्वास है, उस पर ये बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 80 सीट अखिलेश यादव से भी पूछे तो वो भी कहेंगे 80 सीट हम पाएंगे, लेकिन जो जनता जैसा चाहेगी, आज जनता जो देख रही है, चाहे आज महंगाई का भी एक तरीके से अवसर देख लीजिए आप कितना, और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं। अब वो क्या लगता है जमेश्वर विकास कार्य नहीं हुए हैं, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अभी सपा का एक भी सीट नहीं मिलना लोकसभा चुनाव में? देखिए जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो इंडिया गठबंधन बनाया है ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन बनाए हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं सब सम्मिलित हुए हैं। कहा है कि वो 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकते हैं, और ये भी चुनाव का एक दाव पेच होता है कि आप ऐसी बात कहें कि अगले एक आत्मविश्वास कम हो जाए, और ये तो जनता तय करेगी कितनी सीटें आएंगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार 80 सीटें हम जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा। देखिए ये इस तरह के जो बयान हैं उनको हम लोग राजनैतिक बयान की श्रेणी में रखते हैं। इसमें या तो उनका आत्मविश्वास झलक रहा है, या वो समाजवादी पार्टी को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के कथन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको अगर उल्टा कर दीजिए, अखिलेश बोले अगर, तो अखिलेश बोलेंगे कि भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। 80 से 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा, क्या कहना है? किसी भी क्षेत्र में जब दो कंपटीटर होते हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे और खेल का हो, चाहे कुछ भी, तो हर खिलाड़ी जो है, हर प्रतिद्वंदी यही कहता है कि मैं ही जीतूंगा और पूरे मार्क्स के साथ जीतूंगा। इस बार वो 80 से 80 सीटें जीतेंगे, सपा का खाता नहीं खुलेगा, ये आदित्यनाथ जी का जो दावा है पिछले 2-3 चुनाव में देख लीजिए, 17 में 69 सीटें थीं, 22 में 73 सीटें थीं, और वो अपने काम और विकास के नाम पे वो मांग रहे हैं, तो मैं तो नहीं कहता 80, लेकिन अधिकांश सीटें उन्हीं को मिलेंगी, 2-4 सीटें कम हो सकती है। स्पेशल एडिशन के वीकेंड स्पेशल में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद में सबसे नया मोड़।